कम महिलाओं को जब तक बराबरी का अधिकार नहीं देंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेगी। बॉम्बे में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मुंबई, वहां पर तमाम फिल्म एक्टर्स मौजूद थे, जेकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी ने कहा कि योगी जी को, कि मोदी जी को कहिए कि जो हैशटैग ट्रेंडिंग का मुद्दा चल रहा है ना, बायकॉट बॉलीवुड, ये ना हो। इसको कैसे देख रहे हैं, मोदी जी को बोलेंगे योगी? देखिए, मैं योगी जी और मोदी जी की बात नहीं करता, मैं रियल लाइफ और रियल लाइफ की बात करता हूं। तो क्या रील में और रियल में योगी मोदी नहीं है? वो कैसे है, वो तो वो पॉलिटिशियन है। रील जो है इंटरटेनमेंट के लिए होता है, मनोरंजन का साधन है वो। अब मनोरंजन का साधन आपके जीवन को, पूरी फिल्म के अंदर उसका उद्देश्य क्या होता है, पूरी फिल्म दिखाने का, कि हमेशा सत्य विजयी होता है, असत्य हार जाता है। क्या आपने उस उपसंहार को देखा? कोई भी फिल्म हो, किसी भी तरीके से दिखाई जा रही, मनोरंजन करते करते उनका एक लॉजिक तो होता है ना पीछे दिखाने का, कि उसका उद्देश्य क्या फिल्म का, अंत में क्या होता है उस फिल्म के अंदर, कि वो जो विलेन होता है वो पराजित हो जाता है विलेन के हाथों। मनोरंजन के जरिए वो लोग, माध्यम जो भी बनाए, उनका उद्देश्य क्या है? जैसे हम साधु बने, हमारा उद्देश्य अंततः क्या है? समाज की बेहतरी। समाज अच्छा कैसे बनेगा? जब स्त्री पुरुष को बराबर का अधिकार मिलेगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक्टर्स ये सिफारिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से ये बात कहिए, तो क्या उस रियल लाइफ का पार्ट नहीं है नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो है राजनीति हाशिए पे चली गई है। अभी भारत जो नाग कंपनी उसको ये कर रही है रन, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, ये सारा पैसे का खेल चल रहा है, इसमें राजनीति कई हाशिए पे चली गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राजनीति एक्चुअल जो करता है इस प्रकृति की दिव्यता में, वो वायु देवता है, जो दिखाई नहीं देता, सबको साथ लेके चलता है, इस पे हम फोकस ही नहीं कर रहे। अच्छा, आपने भी भगवा पहना हुआ है, बॉयकॉट पठान के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखो बेटा, रंगों की भाषा डॉक्टर सीवी रमन ने दी थी 1930 में, हम उसको समझ ही नहीं पाए। जल सफ़ेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्रमय, अग्नि लाल, और ये जो सेफ्रॉन कलर है ये तो सूर्य भगवान का कलर है। जब वो प्रकट होते हैं और जब वो अस्त होते हैं, वो हमें ये संदेश देते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच कुछ समय है तुम्हारे पास, इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करो, भारत की भूमि पर आए हो, ये ऋषियों की तपस्वियों की भूमि है, यहाँ से सर्वे भवंतु सुखिना का संदेश उठता है। समर्थन में है या विरोध में है? मैं ना समर्थन में हूँ ना मैं विरोध में हूँ, मैं इन सबसे ऊपर हूँ। सर, अहमदाबाद में तोड़फोड़ हुई है पठान मूवी को लेकर, थिएटर में कैसे देख रहे हैं बजरंग दल के लोग? देखिए, वीडियो वायरल है। राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये सारे गेम प्लान किए जाते हैं, सब वेल प्लानिंग है, इसके पीछे वोटों का ध्रुवीकरण है और कुछ भी नहीं है। हम युगों युगों से ऐसी फिल्में देखते आ रहे हैं जिसमें सब तरह के दृश्य उभरते थे, उससे हमें तो कोई, हमारे जीवन को कोई प्रभावित नहीं किया उसने। अच्छा, जगह जगह हिंदू राष्ट्र को जागृत करने के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, आपको भी लगता है कि हिंदुओं को जागृत करने की आवश्यकता है? बेटा, आध्यात्मिक प्रश्न है आपका, आप बताइए। हिंदू एक जीवन पद्धति है, इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, और ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध यहूदी पारसी, ये सब पंथ हैं, धर्म सनातन है। लेकिन एक स्वामी ये कहता है कि थिएटर को जला देंगे अगर इस तरह की फिल्में अगर लगी तो, स्वामी में क्या फर्क है? तो देश जो है बेटा, ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों से नहीं चलता है ना, भारतीय संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का, जनता से, जनता के लिए। जनता तो बेचारी नदारद हो गई, 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं सड़कों पे, भीख मांगने की स्थिति में देश पहुँच रहा, हंगर इंडेक्स में हम ऊपर उठ रहे हैं, तो राजनीति कहाँ है? राजनीति को आज़ादी की बात करते हैं ना, वही लोग जो विरोध कर रहे हैं। नहीं, कोई भी विरोध कर रहा है, कोई भी समर्थन कर रहा है, उसके पीछे उनकी व्यू रचना क्या है वो भी तो देखा जाना चाहिए। ये भावनाएं क्या होती है? भावनाओं से देश चलेगा क्या? देश तो संविधान से चलेगा। अब भावनाएं भड़काने के पीछे इनका शुद्र राजनीतिक स्वार्थ होता है, वोटों की राजनीति। और जब तक वोटों की राजनीति चलेगी तब तक भारत एकता के सूत्र में नहीं बन सकता। ये जातियों का अजायब घर है, यहाँ युगों युगों से अत्याचार समाज पे होते रहे हैं, होते रहेंगे। जब तक लोग भारतीय संविधान को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक कर्तव्य अधिकार के मध्य संतुलन नहीं होगा, तब तक भारत एक अच्छे लोकतंत्र में तब्दील नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, साधु कह रहे हैं कि जिंदा जला देंगे, चमड़ी उखाड़ने की बात कर रहे हैं। साधु होना और दिखना बहुत अलग बात है। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही सरल व्याख्या करना चाहता हूँ साधु की। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति,
शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना, और सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा। तो राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये बात बहुत ताकत से मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र भी नहीं है।